हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में जानेंगे, यदि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए करना है और चाहते हैं कि आपको मेन कैंपस मिल जाए और लखनऊ विश्वविद्यालय से आप बीए कर लें, ठीक है। तो बीए एनईपी का रिजल्ट लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया, वो फुली आप सभी ने मेरिट लिस्ट और यूजी प्रोग्राम पे क्लिक करके और अपना अपना मेरिट लिस्ट रिजल्ट देख लिया होगा कि आपके कितने नंबर आए होंगे। अब सवाल ये है कि भैया, इसमें तो 266 पेज है, 266 पे सभी का नाम है, तो इसमें से कौन से लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, कौन से नहीं है, कब लास्ट डेट है। तो बच्चों बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कहती है हम रिजल्ट तो जारी कर दिए, ठीक है। जैसे मान लो ये पूरे रिजल्ट जारी कर दिए, अब जो बच्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी की इस ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे काउंसलिंग कराएगा वही लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन की लड़ाई में आगे जाएगा, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट आ गई है, आगे का प्रोसेस था। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक और नोटिस भेजा और कहा कि जिन बच्चों का नाम उस मेरिट लिस्ट में है, चाहे उनके 1000 रैंक हो, चाहे 5000 रैंक हो, चाहे 4000 रैंक हो, वो अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया मतलब 28 तारीख मतलब आज से शुरू हो रही है और 31 तारीख तक कर लेनी है। 3 दिन का समय लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी, बीएससी बायोलॉजी, बीएफए वाले बच्चों को दिया है। अब हम इस वीडियो में आज बीए के बारे में करेंगे बीए वालों की पूरी काउंसलिंग और बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले बीए की काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बच्चों, इसमें एक ऐसा टिप बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ कि जिससे आपको मेन कैंपस 100% मिल ही जाए। सबसे पहले आपको जाना है लखनऊ विश्वविद्यालय के सीधा सीधा वेबसाइट पे, किसी फर्जी ऑफिशियल वेबसाइट में मत जाइएगा, सीधे लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सबमिट चॉइस फिलिंग का, इस पे करिएगा क्लिक। क्लिक करने के बाद बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड वही है रजिस्ट्रेशन आईडी जो जिससे आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया था, जिससे आपने अपना फॉर्म भरा था, वही डालना है। और ये एक सिंपल सा कैप्चर कोड पूछ रहा है, उसको फिल कर देना। उसके बाद इसे बच्चों आपका कुछ इस तरीके से ये पूरा काउंसलिंग पोर्टल खुल के आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका फोटो दिखेगा, कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे बीएनईपी के लिए इन्होंने अप्लाई किया, फिर रजिस्ट्रेशन आईडी, फिर स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो सबमिट काउंसलिंग फीस का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे बच्चों कुछ इस तरीके से विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि बीएनईपी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम क्या है, स्टूडेंट नेम, पापा का नाम क्या, मोबाइल नंबर है क्या है, ईमेल क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे ही आई एग्री के बटन पे क्लिक करोगे नीचे एक सबमिट बटन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सबमिट बटन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही ये ₹700 पेमेंट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। प्रोसीड ₹700 की खेल बता दीजिए, ₹500 है जो बच्चों आपको अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होती है या जो भी आप अफिलिएटेड कॉलेज चूज करते हैं उसमें कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो ये ₹500 आपको वापस कर दिया जाएगा और ₹200 आपका नॉन रिफंडेबल फीस है, ये वापस नहीं करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय। फिर आगे क्या करना है, जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो डेबिट कार्ड का डिटेल मांगेगा, जैसे ही डेबिट कार्ड दोगे तो इस तरीके से मान लो एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पे 700 का, तो आप पेमेंट कर देना ₹700 का, तो ये आ गया ओटीपी। ओटीपी आने के बाद आपको एक डाउनलोड फीस रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, इस फीस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए। अब अगला काम क्या है, अगला काम भैया ये है, जैसे ही मान लो ये फीस पेमेंट हो गया उसके बाद से आपको कॉलेज च्वाइस लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो इन्होंने बहुत सारे गाइडलाइन एकदम प्रीवियस रिलीज करके दिया है, कहा है कि टोटल एल तक कॉलम होंगे, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट आपको मेजर मिलेगा और 1 माइनर मिलेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में जैसा रैंक लाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम मेजर के 6 सब्जेक्ट जो चूज करिएगा और माइनर के कम से कम 3 सब्जेक्ट चूज करिएगा, ऐसा इन्होंने गाइडलाइन में लिखा था, ठीक है, और आपका रैंक जितना होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी टीम ये कहती है आपसे, सपोज करिए कि आपका रैंक 2000 आया, आपका रैंक 4000 आया, ठीक है, 4000 रैंक आया, क्या करूं भैया, इस केस में क्या करूं, हमको तो पढ़ना है सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो हमारी टीम ये करती है, ये मेजर लिस्ट में जितने सब्जेक्ट के नाम है, जैसे इतने सब्जेक्ट के नाम है, इन सभी को चूज कर दीजिए, बस ध्यान रखिएगा उर्दू उर्दू मत चूज करिएगा, उर्दू संस्कृत अगर आपका मन नहीं है तो मत चूज करिएगा, प्रोसीड कर दीजिएगा। ये करने के बाद फिर माइनर में चले आइएगा, ठीक है, माइनर में चले आएंगे तो माइनर में भी पूरा आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो इतना करने के लिए तो मैंने आपको सुझाव दिया, उसके बाद से पहला ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों, फिर से सब कॉलेज चॉइस फिलिंग पे। तो कॉलेज चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पे आ जाइएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मेन कैंपस। अब सपोज करिए कोई लड़का है, वो कह रहा है भैया हमको सिर्फ और सिर्फ लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना है, बाकी हम इन अफिलिएटेड कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि इस वाले प्लस वाले बटन पे क्लिक करके और सीधा सीधा यूनिवर्सिटी आप लखनऊ को नीचे लाइएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा।
उसके बाद से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा पूरे सब्जेक्ट का, मेजर सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेजर और माइनर के सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके 29 सब्जेक्ट जो होंगे वो मेजर के हैं और 31 सब्जेक्ट जो है वो माइनर के सब्जेक्ट है। भैया मेरी रैंक एकदम खराब है, 4,000, 5,000, 6,000 रैंक है, मैं क्या करूं, मेरा बता दो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, चूज करिएगा मेजर में और वही सेम सब्जेक्ट आप माइनर में चूज करिएगा। माइनर मेजर में क्या अंतर होता है, देखो बच्चों, मेजर जो सब्जेक्ट होता है आपको तीनों साल पढ़ना होता है, 3 ईयर तक, मतलब जब तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ोगे तब तक आपको पढ़ना होगा। अब माइनर सब्जेक्ट क्या होगा, 5वें सेमेस्टर में जाके माइनर सब्जेक्ट आपका हट जाता है, ठीक है। तो ये चीजें रहता है माइनर और मेजर में, ठीक है। तो मान लो कोई लड़का है, कह रहा है कि भैया मेरा रैंक अच्छा खासा आया है और मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट लेना है, तो मेजर सब्जेक्ट में बच्चों कम से कम आपको 6 सब्जेक्ट चुनना अनिवार्य है। मतलब इसमें जो मेजर सब्जेक्ट की लिस्ट है यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, जैसे मान लो कोई लड़का उसका रैंक एकदम बढ़िया है तो उसको इस कॉम्बिनेशन में चूज कर, जैसे उसको पॉलिटिकल साइंस चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, सोशल वर्क चाहिए, हिस्ट्री चाहिए और इसी में ज्योग्राफी कर लिया, तो ये मेजर सब्जेक्ट में है। तो मेजर सब्जेक्ट में कम से कम आपको 6 सब्जेक्ट का प्रेफरेंस देना ही होगा, जिसमें से लखनऊ विश्वविद्यालय आपको 2 सब्जेक्ट एलोकेट करेगी आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आप नंबर लेके आए हो। माइनर में आप कम से कम 3 देना है, मतलब 3 सब्जेक्ट चूज करना है, जिसका रैंक अच्छा होगा उनके लिए बता रहा हूँ, जिसका रैंक 1000 के ज्यादा होगा, 1500, 2000, 3000, 4000 से ज्यादा होगा, उनको क्या करना है, उनको मेजर और माइनर के जितने 31 सब्जेक्ट उसमें, 29 सब्जेक्ट उसमें, उन सभी को चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करने के बाद बच्चों यहाँ पे आपका पूरा लिस्ट मिल जाएगा मेजर सब्जेक्ट की, ठीक है, और उसके बाद से आपका इस तरीके से पूरा चॉइस लॉक होके आ जाएगा, जिसमें आपका पहला मेजर सब्जेक्ट जो आपने चूज किया होगा, माइनर सब्जेक्ट जो आपने चूज किया होगा वो दिखेगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, एक छोटा सा कैप्चर कोड आएगा, कहेगा लॉक, मतलब लॉक एक बार हो गया तो ये अब बदल नहीं सकता जिंदगी में, अब ये बदलेगा कब, दूसरे फेज के काउंसलिंग में, तो आपको लॉक करना है, ओके कर देना, लॉक करोगे, जैसे ही लॉक हो जाएगा बच्चों इस तरीके से आपका ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपने मेजर में कौन सा चुना था, माइनर में, फिर उसके बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय आपका ये रिजल्ट जारी करेगी, रिजल्ट जारी करने के बाद से फिर आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका 3000, 4000, 5000 रैंक है उनको हमारी टीम यही कहती है कि आप पूरे मेजर माइनर जितने जितने सब्जेक्ट हैं उन सभी को सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, तभी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा मिलेगा। 2-3 इंस्ट्रक्शन ये भी उन्होंने दिया था कि कोई एक, जब आप यहाँ पे ओपन करोगे ना, जैसे ही इंस्ट्रक्शन ओपन करोगे तो वहीं पे एक ऑप्शन आएगा कि कोई लड़का है उसको पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड एक साथ नहीं मिल सकता है, वो पूरा आप एक बार पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। लेकिन आपका मेन काम अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना है तो लखनऊ, अगर जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से के साथ साथ अफिलिएटेड कॉलेज में भी ऑप्शन देना चाहते हैं वो बिल्कुल दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा किसी भी सुविधा के लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके अली अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड ना भूलना मत भूलिएगा, मतलब उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी चीजें मिल ही जाएंगी वहां पे अली अपडेट मोबाइल पे, ठीक है। तो बच्चों चलता हूँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, थैंक यू सो मच।